सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए कमाल के साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो दोस्त, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और दोस्त आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मेरा कहना ये है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पर डिटेल कंसेप्ट में नॉलेज चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है, क्योंकि आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट होता है इसकी बुनियाद रखने वाले कंसेप्ट पे, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम। तो इसमें अपन बात करेंगे कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, दुनिया भर के जो एलिमेंट्स हैं इनका काम क्या रहता है। काफ़ी सरल शब्दों में टेक्निकल चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, साथ में भारत का भविष्य सेगमेंट तो अपने पास है ही और एग्जाम्पल के रूप से तो अपन चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश करते ही हैं और करेंगे भी इस वीडियो में। तो चलिए फिर बिना देर किए जल्दी से अपन अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक में। तो चलिए दोस्त अब बात करते हैं कि जनरलाइज्ड मेजरिंग सिस्टम क्या होता है या फिर एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम क्या होते हैं। इसको इतना समझ लो दोस्त कि चीज़ों को मेजर करने के लिए जैसे आप वजन, अपना जो वेट है वो वेइंग मशीन में खड़े होकर जब अपना वजन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप वजन करने खड़े होते हो वेइंग मशीन पर और वो टोटली अपना आउटपुट दिखा देता है, अपने को दिखता नेकेड आई से यही है। लेकिन उसके बीच में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कहानी होती है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का काम ही होता है कि जो पहला यहाँ पर आप अपने तरफ से जो भी इनपुट लगा रहे हो उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है। अगर मैं आप वेइंग मशीन में खड़े हो, मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप वजन कराने अपना गए हो तो आप वेइंग मशीन में खड़े हो तो आप जब आप खड़े होते हो वेइंग मशीन के ऊपर तो जो लोड सेल्स रहते हैं ना वेइंग मशीन में वो यहाँ पर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का काम करते हैं। आपका जो भी वजन है वो उसको कैप्चर करते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर्स की मदद से। तो जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसड्यूसर्स के साथ जुड़ा है, तो ये होता है डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज भी बोला जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के साथ ट्रांसड्यूसर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तभी तो भाई आपको मशीन में आउटपुट में दिखेगा ना वैल्यूज़, तो उसकी कहानी भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले ये होता है डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज, तो ये हुआ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। उसके बाद होता है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट और डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। भाई देखो वेइंग मशीन में क्या होता है, आप जहाँ पर वजन करते हो तो होता क्या है कि आप उसी वेइंग मशीन पे खड़े होते हो और वहीं पर आपका आउटपुट दिख जाता है, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं होता ना। हो सकता है कि आप कोई ऐसे मैकेनिकल डिवाइस पे काम कर रहे हो कि इनपुट एक जगह पे दो और उससे 10 मीटर की दूरी पर कहीं आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस रखा है, वहाँ पर आपका आउटपुट चाहिए, तो आपको अपने डेटा को तो भेजना पड़ेगा ना। तो वही काम यहाँ पर करता है कौन, डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो ये केबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वायरलेस तरीके से भी आप मॉडम वगैरह बिछा के कर सकते हो। तो डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट का काम है कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजे। तीसरे नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका नाम है डेटा, पहला तो डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट जो दूसरे नंबर पर था वो हो गया, तीसरा डेटा रिप्रेजेंटेशन या डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। इस एलिमेंट का काम है कि अल्टीमेटली जो भी आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है ना तो ये एलिमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या आप डिस्प्ले भी बोल सकते हो, स्क्रीन भी बोल सकते हो सरल भाषा में। तो ये होता है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का काम। इसके बाद जो बीच में दो पॉइंट आते हैं वो है कि एक होता है वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट, एक होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल रहता है, सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, चलो मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन जो वेरिएबल कन्वर्शन या वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए है कि मान लो कि आप वेइंग मशीन में खड़े हो, आपने अपना वजन वगैरह करा लिया, तो आप जैसे ही वेइंग मशीन में खड़े हो तो लोड सेल्स आपका प्रेशर लेंगे, उसको ट्रांसड्यूसर्स की मदद से, ट्रांसड्यूसर का काम रहता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, तो आपका जो वेट वाला फॉर्म था ना आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो ना वेइंग मशीन पे, प्रेशर लगा रहे हो, तो उस प्रेशर को वो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर। तो जो वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट है, ठीक है, वेरिएबल कन्वर्शन क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसड्यूसर ने तो अपना काम कर दिया, अब उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को डिस्प्ले यूनिट में क्या होगा, आपको डिजिटल फॉर्म में दिखेगा ना, तो उस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम पहले वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कुछ भी हो सकता है, आपको वोल्टेज के फॉर्म में दिख सकता है, करंट के फॉर्म में दिख सकता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिख सकता है, चेंज इन रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिख सकता है। तो ये तो था ट्रांसड्यूसर का काम,
लेकिन जो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट है वो डिस्प्ले में अल्टीमेटली जो फाइनल आउटपुट आपको देखते हो ना कि आपका वजन 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम जो भी है, तो ये मेन काम रहता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का कि वो डिस्प्ले पे दिखाने लायक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सके सारे डेटा को। तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट आता है वो है ये तो हो गया वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट की बात की, उसके बाद आता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का काम है कि जो भी आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ना उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उसको एम्पलीफाई करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है कि जो सिग्नल का जो बेसिक फॉर्म है ना उसको चेंज होने नहीं देता। मतलब अगर कोई एक सिग्नल है तो उसकी एम्पलीट्यूड वगैरह को वो तो रेस करेगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसके ग्राफ को कंप्रेस वगैरह नहीं करेगा। मैं ग्राफ इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हो सकता है कि एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाए लेकिन वो सिग्नल का बेसिक फॉर्म चेंज होने नहीं देगा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, लेकिन उसकी वैल्यू को रेस करेगा। ताकि क्या होता है कि एक जगह से दूसरे का अगर आप डेटा को भेज रहे हो ना तो बीच में बहुत सारे नॉइसेस आते हैं, उस नॉइसेस की वजह से उसकी वैल्यू कम होते 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 डेड हो जाती है। तो वेरिएबल मैनिपुलेशन का एलिमेंट यही है, एलिमेंट का काम यही है कि उसकी वैल्यू को रेस करे, उसकी मात्रा को बढ़ाए ताकि वो लॉसेस के कारण खत्म ना हो जाए। तो यही कुछ पांच एलिमेंट थे मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो अपना सब्जेक्ट है मैकेनिकल मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, उसमें जो जनरलाइज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या फिर एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऑर्डर्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट की वजह से ही दुनिया तमाम में जितने सारे आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो कि मैंने अपने घर में बिजली के लिए जो घर में जो लाइट वगैरह रखे हैं ना, जो बल्ब है, जो भी आपने बटन दबाया और वो बल्ब जल गया, तो बटन तो दबाया जल गया लेकिन कहानी क्या हुई भाई, आपने उंगली से प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वायर्स की मदद से डेटा ट्रांसमिट हुआ, फिर डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो इतनी सारी एलिमेंट्स तो काम में आते हैं ये बेसिक फॉर्म में। ये सारी जो पांच एलिमेंट के मैंने नाम लिए ये आगे पीछे रूप में काम करते हैं। तो यही था कुछ कंसेप्ट और मैं यही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए बात करते हैं भारत का भविष्य सेगमेंट के बारे में। दोस्त, भारत का भविष्य सेगमेंट हमारे चैनल का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछने की कोशिश करता हूं और आपसे जवाब जानने की कोशिश करता हूं। तो दोस्त, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जो भी यहां पर एलिमेंट्स का नाम लिया, सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का नाम लिया, उसके बाद मैंने बताया कि डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कन्वर्शन, फिर वेरिएबल मैनिपुलेशन, वेरिएबल कन्वर्शन, जो भी है ये सारे एलिमेंट्स को अगर मैं आगे पीछे यूज़ करूँ तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मुझे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, वहीं से तो कहानी स्टार्ट होगी ना। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ज़रूर सबसे पहले रहेगा, लेकिन क्या मैं यहाँ पर वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट पहले लगा सकता हूँ और बाद में क्या मैं वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट लगा सकता हूँ? कि अगर मैं इस ऑर्डर को आगे पीछे कर दूँ तो यहाँ पर क्या मेजरमेंट वगैरह ठीक से हो पाएगा? क्या आप नेचर में या आपने घर में जो जितने भी अप्लाइंसेस वगैरह जो भी हर चीज़ देखते हो उसमें ऑर्डर क्या रहता है चीज़ों का, ये आप सोचने की कोशिश करना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे जितना बनेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा ही। तो चलिए दोस्त, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।